शाहजानी पार्क सत्याग्रह स्थल से हम लोग अनवर भाई हैं, हमारी सविता दीदी, सर्जन भाई, देखिए आप प्रीति दीदी, ये सभी लोग बैठे हैं। पूरा ग्राउंड देखिए आप, जगह जगह लोग बैठे हुए हैं। आज आपसे हम मुखातिब होना चाहते हैं समस्त मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से। चंद्रपाल जी नमस्कार, जय राणा प्रताप। आप लोगों से आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हम लोग आज 31वां दिन हो गया है समस्त मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक यहाँ पर ग्राउंड में हम लोग बैठे हुए हैं, लोग बारी बारी से आ भी रहे हैं, जय हो जितेंद्र सिंह जी। लेकिन मध्य प्रदेश का समस्त अतिथि शिक्षक आखिर क्या बात है, निकल के क्यों नहीं आ रहा है? क्या ज्यादा ठंड पड़ रही है? क्या बात है? अरुण भाई नमस्कार, मैं आधे घंटे लाइव हूँ, आप सभी से चर्चा करना चाहता हूँ। जो भी बात है आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मेरे चर्चा करते समय लिखे। देखिए मध्य प्रदेश के अतिथि सब लोग संघर्ष रहते हैं, आप लोग जो भी बात हो वो लिखिए। मैं आधे घंटे आप लोगों से लाइव पूछना चाहता हूँ क्या बात है, वरना मध्य प्रदेश के एक एक अतिथि शिक्षकों का आह्वान करता हूँ। आप मेरी फेसबुक पर पोस्ट देख लीजिए, सम्माननीय राज्यपाल महोदय से आज हमारी मुलाकात हुई है। राज्यपाल महोदय से महामहिम से कहते हैं जब शासन और प्रशासन नहीं सुनता है तो राज्यपाल जी को अपनी पीड़ा बताना चाहिए। राज्यपाल जी से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने बहुत कड़ा बोला है। उन्होंने कहा है कि अमानवीता है प्रशासन की, ये अमानवीता है प्रशासन की कि जो इतने दिन से आप परिवार सहित बच्चों सहित महिलाओं सहित अतिथि शिक्षकों के साथ पढ़े हैं और आपकी सरकार ने संज्ञान नहीं लिए। मैं सख्त कदम उठाऊंगा, मुख्यमंत्री जी कल विदेश यात्रा से आ रहे हैं, उनको आदेशित करूंगा कि आप जाइए, अतिथि शिक्षकों की पीड़ा को समझिए और उनके जो वचन आपने दिया है उसको पूरा करिए, उनके बीच में सामंजस्य स्थापित करिए। ये बात हुई है। सम्माननीय पूर्व विधायक, सम्माननीय वर्तमान विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह जी हमारे बीच में आए, उन्होंने हमारी पीड़ा समझी और उस पीड़ा को समझते हुए वो हमारे बीच में आने के बाद हमको आज राज्यपाल जी के पास लेके गए। दीपक भाई नमस्कार, हर्षवर्धन सिंह जी नमस्कार। तो मैं आधे घंटे लाइव हूँ, आप बताइए, आप कमेंट्स लिखिए क्या चाहते हैं आप, क्या बात है। मैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से बात पूछना चाहता हूँ या फिर आप मुझे बताइए। आप घर से निकलिए, एक एक अतिथि शिक्षकों का आह्वान करता हूँ। हम लड़ाई जीतने के काफी करीब है, बहुत जल्दी मुख्यमंत्री जी ग्राउंड में आ सकते हैं। आप शिक्षा लीजिए हमारे अतिथि विद्वान भाइयों का, जो आज 45-46 दिन हो गए, हम लोगों को आज 31 दिन हो गए मैदान में डटे हुए हैं। खुले आसमान में देखिए, खुला आसमान है, ये देखिए पूरा मीडिया जगह जगह भीड़ है। ये हमारी बहनें जो हैं मटर खा रही हैं, ये पूरा ग्राउंड पी डी खेरवार जी लिख रहे हैं, घर के काम यही करते हैं हम लोग। चप्पल देख लो पल्लू में, लिखिए आपके विचार लिखिए, सबसे मिलजुल कर सबसे विचार कर किया गया है। मैं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का आह्वान करता हूँ, आ जाइए, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। निकलिए अपने घरों से अधिक संख्या में मैदान भर दीजिए। प्रशासन भी यही चाहती है, प्रशासन भी यही चाहती है। प्रशासन कहते हैं कि आप लोगों को ग्राउंड भर देना चाहिए, सरकार इंतजार कर रही है, सरकार चाहती है कि ग्राउंड भरा जाए। मुख्यमंत्री जी कभी भी हमारे बीच आ सकते हैं। अच्छी बात हुई आज राज्यपाल जी से मुलाकात हुई है, इसलिए आपको आना चाहिए और सब मिलकर हम लड़ेंगे और निश्चित हमारी जीत होगी। क्यों? कि शासन देना चाहता है, अगर नहीं देना चाहता, हमारी शक्ति नहीं देखना चाहता तो इस शाहजानी पार्क में हम पहले भी बीजेपी शासन काल में बैठे, 3 दिन से ज्यादा हमें बैठने नहीं दिया जाता था, लेकिन आज 31 दिन से हम बैठे हैं, पूरी संख्या के साथ बैठे हैं। देखिए आप लोगों को पूना ग्राउंड की हालत बताता हूँ, ये अनिता अर्चंदानी जी बैठी हुई है, अनवर भाई बैठे हुए हैं, ये सभी दीदी हमारी बैठी हुई है पास में। नमस्ते कर रहे हैं भैया, नमस्ते नमस्ते। देखिए सर्जन भाई बैठे हैं, आइए, क्या कहना चाहेंगी आप अतिथि शिक्षकों से? आप यही कहना चाहेंगे, अगर अपना हक चाहते हो
तो जल्दी तुरंत मैदान भर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आज से पात्रता परीक्षा वाले लोग भी आ गए हैं, तो अपना वो न कहते हुए और अपना अधिकार मांगने के लिए आइए और पूरा ग्राउंड भर दीजिए, अपना ईगो छोड़ दीजिए। अनवर भाई, सभी भाइयों से बोलना चाहता हूँ मैं कि स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं है, यहाँ पर आए, संघ का साथ दे और यहाँ लड़े, तभी हमें कामयाबी मिल सकती है। परीक्षा पास करने से कोई मतलब नहीं है, सरकार ने पद इतने कम निकाले हैं कि किसी का कुछ नहीं होने वाला है, सब यहाँ लड़ेंगे तो हम जरूर जीतेंगे, सब ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। दीदी, शासन प्रशासन भी यही चाह रही है कि ये यहाँ पर संख्या ज्यादा से ज्यादा हो, और आप सभी आइए, स्कूल जाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हम लोग भी अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ के यहाँ बैठ रहे हैं, महिलाएं हैं यहाँ पे, देखो सब व्यवस्था यहाँ पे खड़ी हुई है, और सामने आज से बैठ रहे हैं जो पात्रता परीक्षा पास हो गए हैं। हाँ, यदि वो अपना हक ले गए, वो अपना हक छीन के ले जाएंगे यदि हम यहाँ पे संख्या बल में उपस्थित नहीं होंगे तो। आपसे बहुत आग्रह है कि यहाँ आ जाएं सब लोग, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, जब भी हम सफल होंगे सब आइए यहाँ पर। जब एक साल की परीक्षा वाले आ सकते तो अपन इतने साल से संघर्ष करते, क्यों नहीं आ रहे यहाँ पर, हम भी नहीं आ रहे, सबको आना ही होगा, हम लोग भी तो स्कूल छोड़ के बैठे हैं। तो देख लीजिए, आप लोग सब यहाँ बैठे हैं और आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं, आप लोगों की जरूरत है, क्योंकि हम अब लड़ाई जीतने वाले हैं। पिछले 31 दिनों से हम लोग अपने घर बार को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं, सब परिवार सहित यहाँ पर बैठे हैं, बच्चे यहाँ पर हैं, महिलाएं यहाँ पर हैं, जरूरत आप लोगों की है, प्लीज घरों से निकलिए, और अगर कोई अन्य बात हो तो आप हमें बताइए, मैं ऑनलाइन हूँ, अभी आधे घंटे ऑनलाइन हूँ, आप लोगों को सुनना चाहता हूँ। गोवर्धन शर्मा जी नमस्कार, पुष्पेंद्र पांडे जी, सरकार करना चाहती है ना, सरकार तो देना चाहती है, लेकिन आप लेना क्यों नहीं चाहते हैं, आप लोग घर से निकलिए। अरुण भाई निश्चित आप तैयारी करिए, बहुत सारी वैकेंसी निकलने वाली है। मनीष माई जी नमस्कार, राजेश जी, तो आप निकलो भैया, घरों से निकलो, आपका आह्वान कर रहे हैं। देखिए सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, पीडी खेरवार जी देखिए, देखिए सर चाय पी रहे हैं, राजेश दुबे जी जबलपुर से, सभी लोग कड़कड़ाती धूप में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए आइए, आपका आह्वान है, क्या दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, हम आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन कल से मुझे उम्मीद है कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले से अतिथि शिक्षक निकलेंगे, अधिक से अधिक संख्या में निकलेंगे, ये मान के चलिए कि अब आंदोलन जब तक समाप्त नहीं होगा, जब तक नियमितीकरण ना हो, नियमितीकरण बहुत जल्द होने वाला है। आज राज्यपाल जी से एक घंटे तक आदरणीय लक्ष्मण सिंह जी के साथ मुलाकात हुई, छोटे राजा साहब ने हमारी पीड़ा को समझा, हमारे बीच आए और उन्होंने कमिट किया था कि राज्यपाल से मैं मिलवाऊंगा, जब सरकारें नहीं सुनती है तो राज्यपाल के पास जाना चाहिए, महामहिम के पास जाना चाहिए, हम गए, आज राज्यपाल जी से आधा घंटे चर्चा हुई, एक घंटे तक उनको पीड़ा सुनाई, आधा घंटा उन्होंने हमसे बात की, इसलिए चलो चलो यहाँ नहीं बिठाएंगे, यहाँ ऐसे कैसे बिठाएंगे, कितने लोग यहाँ फालतू के पड़े रहते हैं।